एक्चुअली में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे समाज के लोग उठ नहीं रहे हैं। हर टाइप से क्या होता है कि जो भी जैसे सारे नेता हैं, आज भी हमारा हुआ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या होता है बस नेता आके अगर खड़ा हो जाता है, वो किस लिए आते हैं? सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आते हैं। क्या उनको लगता है कि किसी लड़की के लिए खड़ा होना चाहिए? क्यों, ज़मीन से जुड़ी हुई कौन है? सारे स्टूडेंट्स हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, अब हमारे स्कूल में सारे के सारे जैसे गरीब लोग हैं, जैसे कोई खेती कर रहा है जिसका, कोई टेम्पू चला रहा है उसका फादर, सारे वहाँ से आए हुए बच्चे हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं? बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि सिर्फ किताबी चीज़ों से कुछ नहीं होता है, हमें उनको बताना पड़ता है कि आप लोगों अपनी मेंटलिटी चेंज करनी चाहिए। अपने बहन भाई जो भी हैं उन सबको क्या सिखाओ कि कैसे अपने बड़ों से, कैसे अपनी जितनी भी यहाँ पे छात्राएं हैं सबको अपनी सिस्टर के तौर पे लेके चलो। क्या हो रहा है कि कोई एक दूसरे को सिस्टर नहीं मानता? क्यों नहीं मानते भाई? पहले तो ऐसा नहीं होता था, आजकल ऐसा कुछ भी हो जाता है किसी का भी। अभी हैदराबाद में हुआ, तीन चार चीज़ें मैंने अभी और देखी आज के न्यूज़पेपर में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या करते हैं कि कैंडल मार्च निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लें हम भाई कैंडल मार्च? पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो रामायण देखी थी हमने, महाभारत देखी थी, अब कौन चला रही? क्या अंग्रेज छोड़ के चले गए? उन्होंने सिखाया हमें? ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना ना। तो ऐसा क्यों? हमें सीधा क्या करना चाहिए उनको? अगर यहाँ के नेता वगैरह से या कोई भी जज से नहीं लिया जा रहा, उनको हमारे बीच में छोड़ो, हम पब्लिक है ना, हम अपनी सेफ्टी अपने आप करेंगे, हम जलाएंगे उनको जिंदा। आप लोग तो क्या करते हो, सिर्फ वोट के पीछे चल रहे हो। वोट कौन देता है? हम देते हैं ना आपको, तो फिर आप क्यों फालतू में ये सारी चीज़ें? तो आपको सीधा सा है, पब्लिक जो है, जो भी है, उन्हीं को डिसीजन लेना चाहिए, उन्हीं को बीच चौराहे में जिन्होंने भी ये काम किया उनको लटका के कर देना चाहिए, वहाँ पे फांसी लगा देनी चाहिए, उनको जिंदा जला देना चाहिए। क्यों, बेटियाँ जिंदा नहीं जली? अभी आपने देखा कि इतना सब कुछ हुआ, जिंदा जला दिया, क्या मतलब है ये? तो ऐसा हम, अगर आप लोगों से, नेता लोग चूड़ियाँ पहन लो भाई, आप लोगों से नहीं हो रहा तो हम करते हैं। हम जो भी हैं टीचर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम करेंगे, उनको सजा हम देंगे। आप लोगों से नहीं हो रहा तो आप लोग चूड़ियाँ पहन के बैठो, वोट मांगने आना सिर्फ, ठीक है? उस टाइम हम भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या करते, मैं टीचर हूँ, यहाँ पे आती हूँ, अगर मैं, मेरे को भी कल से कल ऐसा हो जाए तो आप लोग क्या करोगे? कैंडल मार्च निकाल दोगे? अपने वोट बैंक के लिए आ जाओगे बस, कि जब इलेक्शन होएगा तब लोग आप आओगे? क्यों भाई, ऐसा क्या, क्या हमारा कोई राइट नहीं है? तो आप लोगों के, और मीडिया का क्या होता है हमेशा कि जहाँ पे नेता लोग हैं चलो ठीक है, वहाँ पे भी आज लोग, आप लोग आए चलो हमें अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो सबसे ज़मीन में जुड़े हुए हैं उनके पास में आना चाहिए। आप लोगों की भी बहन बेटियाँ हैं, क्या वो घर से बाहर ना जाए? समाज को सुधारने के लिए क्या कुछ सबसे जरूरी है कि साथ में एजुकेशन जो है, किताबें हैं जरूरी, ठीक है, उनके साथ में जो नैतिक शिक्षा है, आप उनके वो सारी चीज़ें समाज में, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये सारी चीज़ें भी बच्चों को बताओ क्या चीज़ें हैं। पहले के जो भी थे ग्रंथ वगैरह, उनको एक छोटी सी, या हर 15 मिनट प्रे टाइम में उनको एक अच्छे विचार पेश कर सकते हो बच्चों के। बच्चों की मेंटलिटी कहाँ से चेंज होती है? स्कूल से चेंज होती है। स्कूल में टीचर्स अच्छा बताते हैं, लेकिन बाहर के भी शरारती तत्व हैं, वो उनको अपने घेरे में ले लेते हैं। तो स्कूल करेगा ठीक है, लेकिन माहौल घर में भी चेंज होना चाहिए, समाज का भी चेंज होना चाहिए, उसी से बदलाव आ सकता है। समाज की सोच कैसे बदले? समाज की सोच सर एक्चुअली में क्या है कि आप लोग जैसे हो, आजकल क्या हो रखा है, एक दूसरे आसपास में घर है ठीक है सबके, तो क्या करते हैं, एक सामने, मैं डेली न्यूज़पेपर में देखती हूँ कि आपस में बात नहीं करते हैं, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा होता है। आजकल बात करने को कोई रेडी नहीं है, सीधा डिसीजन लेते हैं। क्यों भाई, आप बहन भाई हो, आराम से सारे जो भी आपके मसले सुलझा सकते हैं उनको। तो आजकल जैसे हमने सरपंच बना दिया गांव में, तो वो भी क्या करता है, भाई मैं सरपंच बन गया ठीक है, मेरे पास पावर आ गई और मैं उसका यूज़ करूँगा। अरे उसका यूज़ करो आपके समाज को चेंज करने के लिए, कि जितनी भी गाँव में जो भी लेडीज़ हैं उनको क्या करो, नॉलेज दो ठीक है, कि आप ये सारे काम कर सकते हो। और साथ में सेल्फ डिफेंस के लिए जैसे कराटे वगैरह है, ये सारी चीज़ें भी उनको प्रोवाइड ऐसा करना चाहिए, जिससे वो अपनी सेल्फ डिफेंस भी कर सके और साथ में बाहर जितनी भी है सबको नॉलेज भी दे सके अच्छे से। सृष्टि यादव, थैंक यू।